चले दोस्तों, गुरुकुल डे फोर के हिसाब से अगर अपन जाएं, डे थ्री फर्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर making complementary angles from the top of a tower. Find the height of tower. सर ये बोलना क्या चाहता है भाई? सर क्वेश्चन अगर आप समझेंगे और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टावर है, हमने बोला ओके एच टावर, बोले दो पॉइंट्स हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, दिस इज ए एंड बी, तो सर दो पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, ए, और यहां से फिर पूरा डिस्टेंस कितना इसका, बी, फ्रॉम दी फुट ऑफ अ टावर, फ्रॉम दी क्या पूछा है आपसे, फुट ऑफ अ टावर, टू पॉइंट्स ऑफ अ टावर आर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम दी फुट ऑफ अ टावर, फ्रॉम दी फुट, एक तरफ ये ए है और एक तरफ ये क्या है, बी, सर ठीक है, चिंता की बात ही नहीं है, तो एक तरफ थीटा है और एक तरफ कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्यों, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब ही होता है 90 डिग्री, मतलब अगर एक एंगल थीटा है और दूसरे एंगल को अगर आप एक्स भी मानते हो तो थीटा प्लस एक्स इज 90 एंड एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस थीटा, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस। अब से हाइट ऑफ टावर पूछिए, मैंने बोला देखो अगर अपन ए और बी को टावर मान ले, इस पॉइंट को पी मान ले और इस पॉइंट को क्या मान ले, क्यू, तो जितना मैं समझ पा रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी पी टेन थीटा, कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाय ए, और इन ट्राइंगल ए बी क्यू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच बाय बी, ये भी सही है सर। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एच बाय बी, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एच बाय ए, सर टेन थीटा इज एच बाय ए, कॉट थीटा इज एच बाय बी, टेन थीटा इज एच बाय ए एंड कॉट थीटा इज एच बाय बी, सर बचपन से पढ़ा हुआ है, मैंने लग क्या कि सर टेन इंटू कॉट कितना होता है, वन, तो अगर अपन बात करें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, मतलब एच बाय ए इंटू एच बाय बी इज इक्वल टू कितना, वन, इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए बी, क्योंकि ए बी चला गया उधर, तो इन शॉर्ट एच इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी आपके पास, रूट, ठीक है, क्वेश्चन तो काफी अच्छा था, मैंने लगा मुझे तो अच्छा लगा, बहुत फ्रेंकली बताऊं तो, आप देखो कि आपको कितना समझ में आया, कहां दर्द है, कहां डाउट है और कहां क्वेश्चन आपको लगा कि अपने आप में क्वेश्चन पूरा है, अच्छा सा है और क्वेश्चन करने चाहिए, देखो सोचो समझो और हो जाए तो चैट में वाई कह दीजिएगा दोस्त, अगर हो जाए तो चैट में वाई कह दीजिएगा,
चले दोस्तों, क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं आज का। तो सर आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड किस तरफ इशारा कर रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का दोस्तों, फाइंड पी इफ मीन इज 18। फाइंड पी इफ मीन इज 18 और क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है दोस्तों, अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो हम किस तरफ जा रहे हैं देखो ना दोस्तों, अच्छे से लेके चलते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिए हुए 11 से 13, 13 से 15, 17, 17 के दोस्तों अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके पास एफ आई है वो कितना कितना है 7, 6, 9, 13 पी एंड 4। सर देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि मीन आपको, मैंने बोला हाँ मीन आपको गिवन है तो सर हम कैसे जाएंगे, मैंने बोला सबसे पहले तो अपन एक्स आई निकाल। अगर अपन xi की बात करें तो यहाँ पे 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड देन 24। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे करो, चाहो तो dx की हेल्प ले लो, चाहो तो डिपेंड आपके ऊपर कैसे आपकी इच्छा है। मेरी तो इच्छा है अगर आप बोलो dx, dx का मतलब है xi माइनस व्हाट a। तो सर आप dx में क्या करना चाहोगे? मैं dx में करना चाहूंगा दोस्तों, अगर मैं अच्छे से बात करूं और आराम से बात करूं तो a ले रहा हूं इसको 18 को। सर 12 माइनस 18 इज माइनस 6, देन माइनस 4, माइनस 2, 0, 2, 4 और 6। अब मैं निकाल रहा हूं fi dx, तो 7 इंटू माइनस 6 वुड बी माइनस 42, 6 इंटू माइनस 4 वुड बी माइनस 24, 9 इंटू माइनस 2 इज माइनस 18, 0, 2p, 5 4s आर 20 और लास्ट में 4 इंटू 6, 24। अगर मैं बात करूं कि मीन के बारे में, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन एफ आई डी एक्स अपॉन में एफ आई। तो सर ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास कहीं ना कहीं इतना मैं समझ पाऊँ मीन भी आपको 18 गिवन है और ए भी आपको 18 गिवन है। क्वेश्चन का मीन अपन ने ए मतलब अज्यूम मीन, एफ आई डी एक्स कितना आया टोटल बताते को बच्चा एफ आई डी एक्स की, तो इस पूरे का टोटल अगर निकालो तो सर कितना आएगा? अगर अपन देखें तो 24 से 24 तो कैंसिल हो जाएगा शायद, तो माइनस जितना मैं समझ पा रहा हूँ 42, 60, माइनस 60, माइनस 40 प्लस 2p, चेक कीजिए जितना मुझे लग रहा है माइनस 40 प्लस 2p, माइनस 40 प्लस 2p, am I right? और फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी है दोस्तों? 7 प्लस 6, 13, 13 minus 13 plus 9, 22, 35, 40, 44 plus p, यहाँ पे 44 plus p आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी की टोटल, ठीक है? मतलब 44 plus p क्या फ्रीक्वेंसी की टोटल थी? मैंने बोला हाँ थी पति सर, तो ये जीरो, हाँ ठीक है ना, माइनस 40 प्लस 2p अपॉन में 44 प्लस p, सर यहाँ पे आके ये क्या हो गया जीरो is equal to minus 40 plus 2p, 40 is equal to 2p and the p would be 20। wow. sir क्या हमारा p आ चुका है? मैंने बोला हाँ। तो आज का थर्ड क्वेश्चन है आपकी खिदमत में कुछ इस प्रकार से, अगर अपन लेके चले तो for what value of n
for what value of n, nth term of two APs, T3, T5, 67, and अगर मैं बात करूं, चले 63, 65, 67 और दूसरा एपी चल रहा है 3, 10, 17. Nth term of the two APs will be equal. सर क्या ये हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है? हाँ. कोई पूछने जा रहे हैं कब इन दोनों ऐसी कौन सी n की वैल्यू है जिसमें इसकी कोई टर्म और इसकी कोई टर्म आपस में क्या होगी? मुझे नहीं पता कौन सी टर्म इक्वल होगी, लेकिन आप ये बोलना चाहते हो इसकी a ऑफ n इज इक्वल टू इसकी a ऑफ n, क्या चाहिए आपको? इक्वल मतलब इसका a प्लस n माइनस 1 इनटू इसका d कितना चल रहा है 2 इज इक्वल टू इसका a प्लस n माइनस 1 इसका d कितना चल रहा है 7. तो यहां पे चल रहा है 63 प्लस 2n माइनस 2 3 प्लस 7n माइनस 7. तो सर कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें कि इन दोनों की, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 61 प्लस 2n और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7n माइनस 4. तो सर इसको इधर भेज देंगे तो 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, या मैं सही से बोलूं तो 5n इज इक्वल टू 65 और n इज इक्वल टू 13. हाँ प्रायोरिटी में गाड़ी 8 बार नीचे से टावर हो रहा है, वो है ग्रीन ठीक है. तो आज के ही चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं. सर क्वेश्चन किस प्रकार का है? तो क्वेश्चन अपने आप में इस प्रकार का है. सम ऑफ द एरियाज, जो फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है आपके गुरुकुल डे 3 का. तो सर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Sum of the areas of two squares is 468. If the difference of their perimeter, अगर मैं बात करूं, if the difference of their perimeter, is 24. Find the sides of the square. मैंने बोला देखो यार दो स्क्वायर है, एक का पेरीमीटर P1 मान लेते हैं, दूसरे का P2 मान लेते हैं. एक स्क्वायर की साइड अपन X मान लेते हैं और एक स्क्वायर की साइड अपन Y मान लेते हैं. भैया एक डाउट है. पेरीमीटर माइनस, हाँ बोलो जल्दी से. सर 46 है कि 468 है? 468 ठीक है. तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू कितना 24. सर पेरीमीटर 1 इज 4x, पेरीमीटर 2 इज 4y इज इक्वल टू कितना 24. 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 24. ये 1 जा और ये 6 जा, कहीं ना कहीं x माइनस y इज इक्वल टू 6. X is equal to 6 plus Y. X is equal to कितना? 6 plus Y. सर यहाँ पे एक पार्ट क्वेश्चन का खत्म. आगे क्या? Sum of the areas of two square is 24. मतलब area 1 plus area 2 is 468 as given in the question. सर area 1 is X square. Area 2 is y square is equal to 468. Sir, x की value ही कितनी है? 6 plus y. तो 6 plus y का whole square plus y का square is equal to कितना? 468. का square plus y का square plus 2 into 6 into y plus y का square is equal to 468. तो सही, मैंने बोला हाँ सही तो है. y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना हो जाए? 2y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36
इज इक्वल टू कितना 468। सर कहीं ना कहीं 2y स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दें तो वो हो जाएगा 432। ये भी सही। व्हाट नेक्स्ट, y स्क्वायर प्लस 6y, इसको मतलब 2 से काटा है तो ये कितना आ जाएगा 216। या और अच्छे से अलाउ करो तो ये इक्वेशन तो ऐसी जा रही है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू कितना 0। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि 6y को ऐसा कैसे तोड़े कि 216 आए, तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 18 और 12 में तोड़ोगे तो उस तरफ पहुंच सकते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू कितना, ठीक है ये भी अच्छा ही है। मैंने बोला हाँ मतलब ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है, इन दोनों को एक ग्रुप बना लो, इन दोनों का एक ग्रुप बना लो। तो y ब्रैकेट में कितना y प्लस 18 माइनस 12 ब्रैकेट में कितना y प्लस 18 इक्वल टू 0, y प्लस 18 y माइनस 12 इक्वल टू 0। इन शॉर्ट यहां से y इज इक्वल टू कितना 12, मतलब एक स्क्वायर की साइड 12 है तो दूसरा y प्लस 6 था, मतलब 12 प्लस 6 तो कितना 18। सर क्या ये गुरुकुल डे, क्या ये गुरु